अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें। एक शख्स ने जवाजात से पूछा है कि मैं छुट्टी पर अपने मुल्क में हूँ, तो क्या मैं अपने कपिल या कंपनी से बोलकर खुरुज निहाई लगवा सकता हूँ। उसका जवाब जवाजात ने किया दिया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उससे पहले एक खबर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि एक खबर कल आई थी जो जैसे कि PCR टेस्ट के बगैर अब सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन कौन से लोग, जैसे सऊदी नागरिक है वो जाके कहीं शादी किया है जो विदेश में, उसकी पत्नी आ सकती है, या फिर सऊदी की जो औरत है उसका पति जो है वो विदेशी है, वो बगैर PCR टेस्ट का आ सकता है, और जो सऊदी नागरिक हैं उनके साथ डोमेस्टिक वर्कर साथ में आ सकते हैं, तो उनके लिए PCR टेस्ट ज़रूरी नहीं है। वो उनके साथ अगर आता है कोई डोमेस्टिक वर्कर तो वो लोग बगैर PCR टेस्ट के आ सकते हैं। ये आम लोगों के लिए नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है। जो डोमेस्टिक वर्कर जो होते हैं वो सऊदी के साथ कहीं आते जाते हैं तो वो उनके साथ ऐसे ही आ सकते हैं बिना PCR टेस्ट के लिए। ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये खबर कल आई थी और मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था वीडियो, क्योंकि खबर इस पे नहीं आई थी, उसके बाद ही आ गई थी, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जान लेते हैं कि जो एक शख्स ने जवाजात से पूछा है कि मैं अभी छुट्टी पर हूँ तो कपिल या कंपनी से बोलकर अपना खुरुज निहाई लगवा सकता हूँ, तो जवाजात ने जवाब दिया है, मैं आप लोगों के साथ उसका स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, आप लोग भी देखिए। एक सवाल के जवाब में जवाजात ने कहा है कि इमिग्रेशन नियम के मुताबिक देश में रहने वाले उन विदेशी कामगारों के अंतिम रूप से बाहर निकलने पर नहीं लगाया जा सकता है जो एग्जिट री एंट्री पर गए हैं। जैसे कि जो लोग एग्जिट री एंट्री पर गए हैं वो लोग का जो खुरुज निहाई है एग्जिट नहीं लगाया जा सकता है। जब वो सऊदी अरब में होंगे तभी लगाया जा सकता है, ना कि वो अपने देश में छुट्टी पर हैं उसके बाद लगाया जाएगा। तो आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर रहा होगा, तो जवाजात ने जवाब दे दिया है सीधा सीधा। जो लोग छुट्टी पर जाते हैं उनका खुरुज नहीं लगाया जा सकता है, जो खुरुज निहाई होता है वो नहीं लगाया जा सकता है। जो लोग एग्जिट रेंटरी यानी छुट्टी पर होते हैं उनका एग्जिट नहीं लगाया जा सकता है, जब सऊदी अरब में होंगे तभी उनका एग्जिट लग सकता है। आखिरी में जानते हैं सऊदी अरब का रियाल रेट, जो एक रियाल का इंडिया का कितने रुपया बनता है। फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 2 पैसे, इसकी फीस है 10 रियाल। इंजाद बैंक दे रहा है 20 रुपये 6 पैसे, इसकी फीस है 15। STC दे रहा है 20.2, इसकी फीस है 17.25। और तवील अर्राजी दे रहा है 19.75, इसकी फीस है 20। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 20.2, इसकी फीस है 17.25। और जो सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है वो मनीग्राम है 20 रुपये 14 पैसे, इसका फीस जो है वो 23 रियाल है। तो ये रियाल रेट था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।